तो यहाँ पर बनने वाला है जी आज हेयर ऑयल इन सारी चीज़ों से। और आप लोगों को लग रहा होगा कि जी बहुत सारी चीज़ें हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अभी मैं आप लोगों को बारी बारी बताऊंगी, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास इंशाल्लाह किचन में अवेलेबल होंगी। और अगर एक आध चीज़ ना हुई तो उसका सब्स्टिट्यूट भी मैं बता दूंगी कि उसके अलावा आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप वो ले आइएगा, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सस्ती चीज़ें हैं। कोई ऐसी महंगी चीज़ भी मैं इसमें नहीं इस्तेमाल कर रही, तो इनएक्सपेंसिव हेयर ऑयल है। और इतना इसका ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट है ना, क्योंकि ये मैंने खुद भी यूज़ किया हुआ है। आजकल मेरा ऑयल ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए बनाऊं, और फिर मैं सोच रही थी कि वाई नॉट शेयर इट विद यू गाइज़, कि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। क्योंकि आजकल मैं बहुत सारी पोस्ट्स देखती होती हूँ जी हेयर प्रॉब्लम्स की, तो दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ़ योर हेयर प्रॉब्लम्स, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदेमंद। और दूसरी बात यह कि ये हेयर ऑयल जो है ना, ये मेरी मॉम की रेसिपी है, वही हमें ये सारी चीज़ें बताती होती थी। एंड नाउ आई एम इन अमेरिका, तो मैं तो उनसे फ़ोन पे पूछती रहती हूँ कि आजकल मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो मुझे बताती रहती हैं। लेकिन आप लोगों के लिए एक और हल है कि उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, जहाँ पर वो अपनी पर्सनल रेमिडीज़ और टोटके वगैरह शेयर करती हैं। शीज़ अ होम्योपैथिक डॉक्टर अलॉन्ग विद द मेडिसिन, वो आपको एक एक चीज़ डिटेल से बताएंगी। तो उनके चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उनको फॉलो कर सकते हैं और बहुत सारी रेमेडीज़ देख सकते हैं। और अगर आप लोगों की कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स है तो आप उनको वो भी बता सकते हैं, इंशाल्लाह वो उस बारे में भी वीडियोस बनाएंगी। तो अब शुरू करते हैं जी टोटका, कि आज मैं अपना हेयर ऑयल कैसे बनाने वाली हूँ और क्या राज है मेरे बालों के लंबे होने का। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बता देती हूँ और उसके बाद हम लोग टोटका शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है एलोवेरा, यहाँ पर है नीम लीव्स, और ये कलवंजी के सीड्स हैं, वो ब्लैक सीड्स जिसको कहते हैं। ये है हमारे पास राइस पाउडर, जो चावल का आटा होता है। ये है अनियन, हमारे पास एक अदद प्याज होना चाहिए। ये हमारे पास है सौंफ, फेनल सीड्स जिनको कहते हैं। और ये अभी फ़िलहाल मैंने गुलाब के पत्ते रखे हुए हैं, ये मैं अब आपको यही बताने वाली हूँ। ये सिर्फ खुशबू के लिए, क्योंकि ऑयल का जो स्मेल होता है ना, कुछ लोगों को बहुत ही बुरा लगता है। तो आप कोई भी एसेंशियल ऑयल इसमें डाल सकते हैं, रोज़ पेटल्स डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। और यहाँ पर है जी मेथी के दाने, अगर आपके पास मेथी के दाने नहीं है तो मेथी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर है जी कैस्टर ऑयल, ये होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हेयर प्रॉब्लम्स का काफ़ी सोल्यूशन है। जो हेयर लॉस होता है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशनर भी है। तो यहाँ पर है जी एवोकाडो ऑयल, ये मेरे पास घर में था तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। इसकी जगह आप कोकोनट और ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपकी मर्ज़ी है या आपकी अवेलेबिलिटी पे है कि क्या आपके पास घर में चीज़ अवेलेबल है। कोकोनट या ऑलिव ऑयल या कोई सा भी अलग ऑयल, आमंड ऑयल भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर है जी मेरे पास मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, जो कि हर घर में होता है, पाकिस्तान हो या इंडिया हो या कोई भी इस तरह का। इसके बगैर तो मैं कहती हूँ घर में और कोई तेल हो ना हो, ये लाजमी होता है, तो इसीलिए प्रॉब्लम की बात यहाँ पर भी हो गई। और फिर हमने लेने हैं जी ये धनिए के कुछ पत्ते, ये भी घरों में अवेलेबल होता है, कोई भी ऐसी परेशानी की बात। यहाँ पे एलोवेरा मैं स्टोर से लेकर आई थी, ये मेरे घर का नहीं है, तो इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूंगी। सबसे पहले एलोवेरा बहुत अच्छे से धुल चुका है, अब हम इसके बहुत ही बारीक से स्लाइसेस कर लेंगे। ये देखिए जी एलोवेरा को हम लोगों ने बारीक से स्लाइसेस इस तरह से काट लिया है। और अब बारी आती है जी अनियन की, तो अनियन को हम लोगों ने ग्राइंड करके इसका प्योरे बना लेना है। तो ये देखिए जी अनियन का भी प्योरे तैयार हो चुका है, और अब हम लोगों ने धनिए को भी इसी तरह काट के इसकी भी प्योरे बना लेनी है। धनिए का हम लोगों ने यहाँ पर एक बंच लिया, यहाँ पर हम लोगों ने धनिए को भी रफली चॉप कर लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी पैन ले लेना है, पैन के अंदर हम लोगों ने डालना है जी मस्टर्ड ऑयल। और क्वान्टिटी की कोई वो नहीं है, जो जितना आप लोग अपने लिए बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जी मस्टर्ड ऑयल। चूल्हा हमारा लो टू मीडियम होना चाहिए, हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर डालेंगे जी एलोवेरा स्लाइसेस। इसके बाद अब हम इसमें ये अनियन और सिलेंट्रो का जो प्योरे था ना, मतलब जो हमारा प्याज और धनिए का प्योरे फॉर्म है, वो हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया। अब हम लोग कैस्टर ऑयल डालेंगे जी। इसकी क्वान्टिटी भी आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। यहाँ पर घर में मेरे पास एवोकाडो ऑयल था, तो मैं वो ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून क्वांटिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एवोकाडो ऑयल नहीं है, इसकी जगह कोकोनट यूज़ करें या ऑलिव ऑयल यूज़ करें, दिस इज़ बेस्ट। मेरे पास अगर वो होता तो डेफिनेटली मैं वही यूज़ करती, बट नहीं था मेरे पास। अब हम मेथी सीड्स इसमें डालेंगे, तकरीबन 4 टेबल स्पून। अब हम लोग इसमें डालेंगे जी कलवंजी, ये तकरीबन मैं 3 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं सौंफ ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 टेबल स्पून। 2 टेबल
टेबल स्पून के हिसाब के इसमें नीम लीव्स चले गए। ये 2 टेबल स्पून राइस फ्लावर है, चावल का आटा, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून हम लोग इसमें डाल देंगे जी पेट्रोलियम जेली, जो कि हमारे पास वेजलिन होती है घर में वो। अब हम इन सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर रहे हैं और इसको हम लोग तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए इसी तरह ही लो मीडियम पे पकाते रहेंगे। तो सबसे पहले अब बात करते हैं जी बेनिफिट्स की, जो सारी चीज़ें मैंने इसमें इस्तेमाल की हैं इस ऑयल में। तो नीम लीफ की बात करते हैं जी, नीम लीफ की भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं स्किन के लिए भी और हेयर के लिए भी। और एक और चीज़ मैं बताती चलूँ, जो बच्चियाँ छोटी स्कूल जाती हैं और उनके बालों में लाइसेंस प्रॉब्लम हो जाती है, जुओं की प्रॉब्लम, तो उसके लिए ये नीम बहुत बेस्ट है। आप किसी भी ऑयल में नीम को मिला सकते हैं, इस तरह आप इसको एक दो बॉयल दे के वो ऑयल सेव करके बच्चियों को लगा सकते हैं, तो उनकी लाइसेंस और डेंड्रफ और ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना ख़त्म हो सकती हैं। बात करते हैं जी जो धनिया मैंने इसमें ऐड किया है उसकी, और उस धनिया फ्रेश धनिया की जगह आप ये वाले कोरिएंडर सीड्स भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है या जो आपको अच्छी लगती है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो जो धनिया है ना वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देता है हेयर ग्रोथ को, और उसका डायरेक्ट एक्शन होता है जी हेयर बल्ब्स पे, जिसकी वजह से हमारा स्कैल्प बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, वो जो हमारे स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं ना बालों के वो उसको भी ख़त्म करेगा इंशाल्लाह। तो इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है। यहाँ पर पैन मैंने चेंज कर दिया क्योंकि वो मुझे कुछ छोटा लग रहा था और मिक्सचर कुछ ज़्यादा ही था, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि हर चीज़ ज़रा अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो और हर चीज़ का ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो, तो इसीलिए मैंने इसको खुले पैन। बात करते हैं जी एलोवेरा की, एलोवेरा की तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों को मेन बताती चलूँ कि बहुत डिफरेंट शैम्पूज़ हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो स्कैल्प का पीएच लेवल होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है, तो एलोवेरा उस पीएच लेवल को दोबारा से बैलेंस करने में बहुत हेल्प आउट करता है, हमें बालों को बहुत ज़्यादा शाइनी करता है, हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, डैंड्रफ रिमूव करने में मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। तो ये कुछ मेन बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से मैंने एलोवेरा सीड्स होते हैं ना इसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ये भी स्प्लिट एंड्स को कंट्रोल करता है, हमारे हेयर लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें, और जो हमारी इची स्कैल्प होती है ना मतलब बहुत ज़्यादा खारिश होना स्कैल्प पे उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और जो बहुत ही ज़्यादा ऑयली हेयर्स हो जाते हैं ना, एक दिन नहाओ अगले दिन ऐसे लगता है कि आज हमने फिर ऑयल लगा लिया, तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट है, क्योंकि मेरा पर्सनली ये प्रॉब्लम है कि मैं अगर आज शैम्पू करती हूँ तो अगले दिन ही मेरे बाल ऑयली हो जाते हैं। और अब हम बात करते हैं जी ब्लैक सीड्स की, जो कि मैंने इसमें ऐड किए हैं, वो जो हमारे स्कैल्प पे जगह जगह पे पैचेस आ जाते हैं ना प्रेगनेंसी के बाद आ जाते हैं कुछ इस तरह से, जो आप पिक्चर्स देख सकते हैं साइड पे, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, जो जगह जगह हमारी बाल्डनेस आ जाती है। आदमियों के लिए बहुत अच्छा है, उनका जो सर दरमियान में से गंजा होना शुरू हो जाता है, तो वो भी ब्लैक सीड ऑयल अगर लगाएं तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह उन लोगों को। बात करते हैं जी अनियन की, जो कि प्याज मैंने इसमें ऐड किया, तो इंटरनेट तो भरा पड़ा हुआ है जी अनियन जूस फॉर हेयर्स, मतलब आप सर्च करें और आपको वीडियोस मिलेंगी कि इसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं फॉर हेयर्स। तो जो मेन हेल्थ बेनिफिट है वो यही है कि ये हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ करता है और हमारे हेयर लॉस को डिक्रीज़ करता है, फिर शाइन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है इससे बालों में, और जो हमारी प्री मेच्योर ग्रेइंग होने लगती है ना, जो बाल हमारे ग्रे होने लगते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है अनियन जूस। बात करते हैं जी फेनल सीड्स यानी कि सौंफ की, सौंफ भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट है, तो इसीलिए मैंने इसको भी ऐड। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका कोई ना कोई बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट है हमारे बालों पे, हमारे स्कैल्प के लिए, मतलब ये बहुत ही बेस्ट हेयर ऑयल है फॉर योर हेयर ग्रोथ, फॉर हेयर शाइन, फॉर स्प्लिट एंड्स, मतलब जितनी प्रॉब्लम्स आप कहें उनके लिए, क्योंकि आप लोगों ने देख लिए कि इसके अंदर मैंने कितनी सारी चीज़ें ऐड की हैं और सारों के मैंने बेनिफिट्स भी आप लोगों को बता दिए हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना एक आध ऑयल बना लेते हैं, दैट्स ऑल्सो गुड, लेकिन मैंने वो सारी जो हेल्दी चीज़ें हैं ना जो हमारे बालों के लिए हेल्दी हैं वो सारी इकट्ठी करके एक ऑयल का फॉर्म बना रही हूँ, एंड दिस इज़ व्हाट माई मॉम डज, वो अभी भी ऐसे ही करती हैं हमारे लिए। तो मैं इवन पाकिस्तान से जब आ रही थी अमेरिका तो आई स्टिल रिमेंबर कि उन्होंने मुझे 2 बड़ी बॉटल्स दे दी थी कि ये तुमने लगाना है, क्योंकि उनको बहुत होता है कि जी मेरी बेटियों के बाल बहुत प्यारे लगे, और माशाल्लाह से हम सारी बहनों के बहुत हेल्दी बाल हैं और बहुत लंबे बाल हैं। ऑयल को हम पकने देंगे तकरीबन 35-40 मिनट्स के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, और बीच बीच में आप लोगों ने चमचा हिलाते रहना है क्योंकि वो नीचे लगने का भी खदशा होता है, तो इसीलिए नीचे ना लगे इसीलिए मैं बार बार ऑयल हिला रही हूँ और साथ साथ आप लोगों के साथ बातें भी कर रही हूँ, विच इज़ ऑल्सो गुड। मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती चलूँ कि मैंने यहाँ पर चावलों का आटा यूज़ किया है, अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, मेरे पास तो था, मैं बाहर से ही लिया थी, तो आप लोग खुद भी चावलों को ग्राइंड करके उसको आटे की फॉर्म में बना सकते हैं घर में ग्राइंडर में या किसी भी चीज़ में।
तो चावलों का आटा भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा फास्ट करता है और बालों को स्ट्रेट करने में बहुत हेल्प आउट करता है। अगर आपके बहुत कर्ली और मतलब सख्त हेयर्स हैं तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट है चावलों का आटा। ये ऑयल हमारा रेडी हो चुका है जी मुस्तफ़ा, तो सारी चीज़ों के कलर्स भी चेंज हो चुके हैं, देखें आप एलोवेरा को भी देख सकते हैं। तो इसको मैंने चूल्हे से हटा दिया और ये तब तक चूल्हे से, ऑयल हमारा रेडी हो चुका है और इसको मैंने चूल्हे से हटा दिया है और अब हम तब तक वेट करेंगे जब तक ये बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाता। मुश्तफ़ा प्लीज़ 2 मिनट, अब इसको हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है। तेल हमारा बहुत अच्छे से कूल डाउन हो चुका है, यहाँ पर आप किसी छानने की मदद से भी इसको छान सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, तो चले जी करते हैं। तो ये है जी हमारा हेयर ऑयल और अब हम इसको दोबारा से बॉटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऑयल मैंने उसी बॉटल में निकाल लिया जिस बॉटल में मस्टर्ड ऑयल था और देखिए जी बिल्कुल थोड़ा सा कम हुआ है, ज़्यादा बिल्कुल कम नहीं हुआ, कुछ जो कम हुआ है वो जाहिर बात है बाकी सारी चीज़ें थी उन्होंने एब्जॉर्ब। और अब बारी आती है जी ये आप लोगों ने यूज़ कैसे करना है, तो यूज़ करना तो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग रात को लगा के सो जाएँ और सुबह नहा लें या फिर हफ्ते में 2 से 3 बार लगा लें, ये आप पे डिपेंड करता है क्योंकि आपने अपने हिसाब से ही करना है या जिस तरह आपके पास टाइम अवेलेबल हो। और बहुत अच्छे से मसाज करना है, जब भी लगाएं उसके 1-2 घंटे बाद नहाना है। ये मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि 1-2 घंटे कम से कम बालों में ये ऑयल रहना चाहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को पते की बात बताती चलूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के बाल बहुत ही जल्दी बढ़ जाएं, मतलब बहुत जल्दी, यू नो लोग कहते हैं कि जी सोएं और सुबह बढ़ जाएं, तो खैर उसके लिए आप लोगों ने इस तेल के साथ साथ एक और अमल करना होगा और वो है जी बालों को रैप करना है। जब ये ऑयल आप लगाएं बालों में तो शॉपर जो होता है ना घर में, नॉर्मल शॉपर, वो अपने सर पे इस तरह लगा लेना है कि बाल उसके अंदर आ जाएं सारे और आपका जो स्कैल्प है और जो आपका हेड एरिया है वो उस शॉपर के अंदर हो, तो वो आप लोगों ने रैप कर लेना है। पिक्चर आप देख सकते हैं, इस तरह आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चर एब्जॉर्ब होगा ऑयल के साथ साथ और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा जल्दी घने हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग ट्राई करें, आप लोगों को खुद ही फ़र्क महसूस हो जाएगा, हफ्ते में 1 दफ़ा आप ये ट्रीटमेंट लाजमी करें। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इंशाल्लाह आप लोग भी ट्राई करेंगे। और आखिर में मैं दोबारा बताती चलूँ कि ये सारी रेसिपीज़, ये सारी रेमेडीज़ मेरी अम्मी की हैं और आप लोग उनका चैनल देखना मत भूलिएगा, गो एंड चेक हर आउट, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों की बहुत सारी परेशानियों का हल मौजूद है उनके पास। तो मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।